गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अब ग्रामीण क्षेत्रों के मोतीराम अड्डा, महावीर छपरा पिपराइज और मिर्जापुर बाजार रूट पर भी संचालित होंगी इलेक्ट्रिक बसें। ग्रामीणों को मिलेगी काफी राहत। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर कर सकते हैं रवाना। पुलिस अधीक्षक यातायात एवं आरटीओ ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर स्कूल की बसों का मानक के आधार पर की चेकिंग। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की 13 बसें मिली मानक के विपरीत। फिटनेस पूर्ण कराने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं एमडी को किया गया निर्देशित। आरटीओ ने सभी स्कूलों के संचालकों से की अपील, कहा सुरक्षा है सर्वोपरि, बिना फिटनेस की वाहनों को मार्ग पर न करें संचालित। नगर विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने महिषा स्थित इलेक्ट्रिक बसों के बनाए गए चार्जिंग स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। बसों के रखरखाव व चार्जिंग के बारे में अधिकारियों से ली विस्तृत जानकारी। कहा, इन बसों में यात्रा करने में लोगों को मिल रही है काफी सुविधा। रामगढ़ताल के किनारे रेलिंग के बीच लगाई जा रही है इनबिल्ट सोलर लाइट, बन रहा है आकर्षण का केंद्र। जीडी उपाध्यक्ष ने कहा, इनबिल्ट सोलर लाइट लगने से नहीं होगी बैटरी की चोरी, बिजली की होगी बचत। उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने महवा मंडी स्थित कान्हा उपवन का किया निरीक्षण। गायों को अपने हाथों से खिलाया फल और चारा, पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। कृषि उत्पादन मंडी समिति के द्वारा सुपरमार्केट की 3 दुकानों का सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में की गई नीलामी। ज्यादा बोली लगाने वाले व्यापारियों को बेची गई दुकानें। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नीति आयोग द्वारा प्रदत्त अटल टिंकरिंग लैब का संयुक्त शिक्षा निदेशक ने किया उद्घाटन। कहा, बच्चे आज समाज के उत्थान में दे रहे हैं अपना महत्वपूर्ण योगदान। नवाचार से ही हम अपने जीवन को और बना सकते हैं सुलभ। अब खबरें विस्तार से। महानगर में नगर निगम द्वारा इलेक्ट्रिक बसों का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब मोतीराम अड्डा, महावीर छपरा पिपराइज और मिर्जापुर बाजार रूट पर भी इलेक्ट्रिक बसें संचालित होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बस संचालित होने से ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की लगातार मांग करने पर नगर निगम ने 3 रूटों पर इलेक्ट्रिक बस चलाने का निर्णय लिया है। अभी महानगर में 15 बसें संचालित हैं, लेकिन जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 इलेक्ट्रिक बस और 2 टूरिस्ट बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि पहले चरण में 15 बसें महानगर के सड़कों पर चल रही हैं। आम जनमानस के सहयोग से इलेक्ट्रिक बस विभिन्न स्थानों से पूरी तरह से फुल चल रही है। इसी को देखते हुए 10 इलेक्ट्रिक बस और 2 टूरिस्ट बस शहर में आ चुकी है, जो मोतीराम अड्डा, महावीर छपरा, मिर्जापुर बाजार पे प्राइस तक चलाने का फैसला लिया गया है। इस रूट पर इलेक्ट्रिक बस चलने से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग चिकित्सा, कोर्ट कचहरी, पढ़ाई, जॉब के उद्देश्य से आते हैं, तो उनको काफी सुविधा मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, अंदर से शीशा मार दिया है जनी। आपके भी संज्ञान में होगा कि गोरखपुर
नगर की जो सबसे बड़ी समस्या अगर है वो है यातायात में जाम की समस्या। यातायात का कोई भी सस्ता सुलभ साधन का ना होना, और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर के लिए 25 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात भेंट की थी, और उसी के क्रम में प्रथम चरण में 15 इलेक्ट्रिक बस यहां पर आई थी जो कि शहर के विभिन्न हिस्सों में चल रही थी। उसके पश्चात अभी 10 इलेक्ट्रिक बस और 2 टूरिस्ट बस और आ चुकी हैं, जिनको कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अतिशीघ्र हरी झंडी दिखाकर शहर की सड़कों में चलाया जाएगा। लेकिन जो पहले चरण में 15 बसें आई थी उनका आम जनमानस के में जो इतना अच्छा रिस्पांस देखने को आया कि हमारी जितने भी बसें चल रही थी, चाहे वो शहर से लेकर सजनवा वाले रूट पे ले लीजिए या भदहट सोनबरसा आदि, पूरी तरह से फुल चल रही थी और आम जनमानस की बराबर डिमांड थी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, विभिन्न एनजीओ के माध्यम से, कि और बड़ी संख्या में इन बसों को चलाया जाए और जो हमारे कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको भी इससे जोड़ा जाए। इन्हीं को देखने के लिए जब हमारे पास 10 नई इलेक्ट्रिक बस और 2 टूरिस्ट बस आ चुकी हैं, तो हम लोगों ने इनको जो पब्लिक की डिमांड है उसके अनुसार मोतीराम अड्डा, महावीर छपरा, मिर्जापुर बाज़ार, पिपराइज आदि जगहों पर चलाने का फैसला लिया है, जो कि रूट जो है जनप्रतिनिधिगण ने दिए हैं। और निश्चित रूप से इस रूट पर चलने से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से डेली लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे चिकित्सा के उद्देश्य से, चाहे कोर्ट कचहरी के उद्देश्य से, चाहे पढ़ाई के उद्देश्य से, उनको निश्चित रूप से एक एसी इलेक्ट्रिक बसों के चलने से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। इसके साथ साथ जो टूरिस्ट बस चलेंगी एयरपोर्ट से लेकर रामगढ़ ताल और अन्य जगहों पर जाएंगी, उनसे जो गोरखपुर आने वाले पर्यटक हैं, चाहे वो प्रदेश से आ रहे हों, देश से आ रहे हों, चाहे विदेश से आ रहे हों, निश्चित रूप से उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। और इस प्रकार ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार गोरखपुर को भेंट प्रदान की जा रही हैं, उसी के कड़ी में आम जनमानस ने मांग को देखते हुए माननीय जी ने 25 और बस, इसके अलावा जो टोटल 27 बस हैं इनके अलावा 25 और बसों की सौगात देने का फैसला लिया है। इसके लिए नगर निगम ने नगर विकास विभाग को अपनी जो एक एप्लीकेशन थी, एक जो पत्र था 25 बसों के संबंध में, उसको ऑलरेडी भेज दिया है और बहुत से शीघ्र वो बसें भी यहाँ पे आ जाएंगी। और इसके बाद मेरा मानना है कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र भी पूरी तरह से संतृप्त हो जाएगा और एक बहुत ही सस्ता सुलभ बहुत कम पैसे में एसी बस से, जिसमें कि कोई साउंड नहीं होगा, लोग यात्रा करेंगे और उनको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात व संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह द्वारा संयुक्त रूप से जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल खोराबार में स्कूल के बसों का फिटनेस चेक किया गया, जिसमें 13 बसें मानक के विपरीत थीं, परंतु बच्चों की संख्या कम होने के कारण रोड पर नहीं चल रही थी। उनकी भी फिटनेस पूर्ण कराने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं MD को निर्देशित किया गया और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूल के बस ड्राइवरों को ब्रीफ करते हुए बताया गया कि सभी ड्राइवर अपने अपने आंखों के जांच करवा लें और बसों में निर्धारित सीट के अनुसार ही बच्चों को बैठाएं और बस चलाते समय बस का दरवाजा बंद हो और यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी बच्चा दरवाजे के पास खड़ा ना हो और बीच सड़क पर बस को रोककर बच्चों को ना उतारें। बच्चों को यदि उतारना है तो बस को रोड के किनारे सेफ जगह पर रोककर ही बच्चों को उतारें और बच्चों को बस में चलते समय खिड़की से झांकने ना दें एवं बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि रखते हुए सुरक्षित ड्राइविंग करें। इसकी जानकारी देते हुए RTO अनीता सिंह ने बताया कि CM योगी का स्पष्ट निर्देश है कि सभी स्कूलों में संचालित वाहनों को बिना फिटनेस के ना संचालित किया जाए। इसी के अनुपालन में सभी स्कूलों के संचालकों से अपील करते हुए RTO अनीता सिंह ने कहा कि फिटनेस फेल वाहनों का अधिकतम 2 सप्ताह के भीतर फिटनेस करा ले और बिना फिटनेस की वाहनों को मार्ग पर संचालित ना करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने कहा, जाहिर सी बात है कि
कोई स्कूल टीचर भी साथ में रहते होंगे एक गाड़ी में? जी सर। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये बहुत ही कड़े निर्देश थे कि सभी स्कूलों की जो बसें चल रही हैं या स्कूलों में जो वाहन चल रही हैं वो शत प्रतिशत फिटनेस से आच्छादित हों। उसके क्रम में लगातार 3-4 महीनों से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और सभी स्कूलों पे नोटिस भी दी जा चुकी है कि जो गाड़ियां आपकी फिटनेस नहीं है उनको फिटनेस करा लीजिए। साथ में हमने अखबार में ये नोटिस भी दी थी कि जिनकी फिटनेस नहीं कराई थी जिन्होंने 3 महीने में, तो हमने उनका निरस्त कर भी दिया था। उस क्रम में आज जब स्कूल खुल रहे हैं और बच्चे ला रहे हैं और स्कूल वाले रिस्क ले रहे हैं, तो उस क्रम में हम आरटीओ गोरखपुर और एसपी ट्रैफिक इन दोनों ने ज्वाइंट वेंचर के रूप में डीडी गोयनका स्कूल में हम गए थे। वहां के एमपी से और उनके प्रिंसिपल से मिलकर ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि भाई 1 वीक के अंदर अगर आपने अपनी गाड़ियां जो डिफॉल्टर्स हैं उसका अगर फिटनेस नहीं कराया तो हम लोग एनफोर्स करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसी क्रम में मैंने अपने कुछ अधिकारियों को कई स्कूल बांट दिए थे हमारे एआरटीओ प्रथम जो इन्फोर्समेंट में है और पीटीओ, वो भी 2-2, 3-3 स्कूलों में जाके उन्होंने फिटनेस के लिए उनको जागरूक किया। मेरी उन स्कूल वालों से थोड़ी सी गुजारिश है जिनकी वाहन अभी अनफिट है, तो कृपया शीघ्र से शीघ्र आके ऑफिस में गाड़ियों के फिटनेस करा लें। अदरवाइज जब रोड पे कार्यवाही होगी तो फिर बच्चों को भी दिक्कत होगी, स्कूल को भी दिक्कत होगी और पेरेंट्स को भी दिक्कत होगी। तो ये मेरी गुजारिश है कि जितनी जल्दी अगर इसकी फिटनेस हो जाएगी उतना ही अच्छा होगा। शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने महेशा स्थित इलेक्ट्रिक बसों के बनाए गए चार्जिंग स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय का भी निरीक्षण किया तथा बसों के रखरखाव व चार्जिंग के बारे में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। उसके बाद विशेष सचिव ने चार्जिंग स्टेशन से गोरखनाथ मंदिर तक एक इलेक्ट्रिक बस में यात्रा कर बसों के कार्यों के बारे में बस स्टाफ एवं कंडक्टर से जानकारी ली तथा यह भी पूछा कि एक बार में कितने यात्री बस में यात्रा कर सकते हैं, जिसके संबंध में विशेष सचिव ने बताया कि शहर में 15 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और जल्द ही 1-2 सप्ताह में 10 और बसें शुरू होने वाली हैं। इन बसों में लोगों को यात्रा करने में काफी सुविधा मिल रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर ज्ञानेन्द्र पैसिया ने कहा, ये खतरों का भी सामने उसी में से महिला
एक बार चार्जिंग अभी हम फ्री होकर बात करेंगे, फ्री होकर बात करेंगे। सर का योगदान बहुत अच्छा रहा, उनका एक्सपीरियंस है, हम लोग ने अच्छा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट का ट्रांसफर ही ट्रांसपोर्ट ही हम लोग खुद फोन करते हैं, इतना बिजी होने के बावजूद भी प्रॉपर फोन उठाना और रेस्पॉन्स देना एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर सर एक हम लोग ने भी किया था हमारे फादर थे क्या होगा बताइए। और इसको ऐसे कर दो, दो फीट पानी भरा था ना, तो ऐसे कर दो फीट जी सर। ये जो होल है यहाँ पूरा एरिया सब होल बंद कर दो सर, सर जाएगा तो ये सब जलमग्न हो जाता है। सबको नहीं काम खास ध्यान देते हैं जैसे अभी आया कंडक्टर का भी मेरे से मिला, जब चेक किया ड्राइवर का भी चेक किया, अगर 0.0 है तो इसको जाने देगा, और थोड़ा भी अल्कोहल 0.1 भी है तो इसको उसी समय रोक लेंगे, उसको सस्पेंड करेंगे, दूसरा ड्राइवर चलाएंगे, अगर नई ड्राइवर है तो गाड़ी रोक देंगे, लेकिन सेफ्टी से कम रखना यहाँ पे जो ई चार्जिंग स्टेशन है हमारा, और 15 इलेक्ट्रिक बसें लगी हुई हैं और 10 आगे से 1 से 2 सप्ताह में पुनः शुरू होने वाली हैं, इसीलिए यहाँ का निरीक्षण किया गया। साथ में इसके चारों ओर एक रिटेनिंग वॉल बननी है, बंधा बनना है, उसके लिए भी निरीक्षण किया गया, और साथ में जो कान्हा गोवंश आश्रय है और अंत्येष्टि स्थल है उसका भी भ्रमण कर रहे हैं। नहीं, ई बस की तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, और जो कंजेस्टेड रूट हैं उनको डी कंजेस्ट करने के लिए, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है तो पोल्यूशन भी बच रहा है और लोगों को सुविधा भी मिल रही है। गांवों में एक्चुअली ये अर्बन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है कि किस तरह से अर्बन ट्रांसपोर्ट को सस्टेनेबल बनाया जाए और फैसिलिटेट किया जाए, उसके लिए होता है। तो भविष्य में यदि इस तरह का कुछ होगा तो आगे किया जाएगा। रामगढ़ ताल के किनारे रेलिंग के बीच इनबिल्ट सोलर लाइट लगाई जा रही है, जिसके संबंध में जीडी उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि आरकेबीके व कूड़ा घाट के बीच जो पुल है वहां पर हमेशा अंधेरा रहता है, जिसको देखते हुए इनबिल्ट सोलर लाइट लगाई जा रही है, जिसकी बैटरी पोल के अंदर है, इससे चोरी की समस्या नहीं होगी, क्योंकि पहले बैटरी बाहर रहता था जिससे चोर बैटरी को चुरा ले जाते थे, लेकिन इनबिल्ट बैटरी रहने से चोरी का खतरा नहीं रहेगा और बिजली का कोई समस्या नहीं रहेगा। इसके अलावा पैडलेगंज से नौकायन के बीच में जो रेलिंग लग रही है उसके बीच में लाइट लग रही है, जो कि आकर्षण का केंद्र बन रहा है। रेलिंग का कार्य समाप्त होते ही लाइट चलने लगेगा, जो कि 1 से 1.5 महीनों में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा सोलर लाइट की बैटरी पोल के बीच में रहेगा, अगर किसी को चोरी करना है तो पूरा पोल चुराना पड़ेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा
और चौराहे पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो। यदि ऐसा पाया गया तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। साथ ही समय मोबाइल फोन, हेडफोन या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग न करें। यदि आपके द्वारा 1,000 रुपये का चलान कंट्रोल रूम के द्वारा नहीं, जो सोलर लाइटें हम लोग देखिए, दो टाइप की लाइट लग रही है पूरे नौकायन क्षेत्र में, रामगढ़ताल क्षेत्र में। एक तो RKBK और कूड़ाघाट के बीच में जो पुल है, वहाँ पे आपने देखा होगा अंधेरा रहता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही यूनिक प्रकार की लाइट लगाई है जो कि इनबिल्ट सोलर है। मतलब उसमें पोल है, सोलर पैनल है और बैटरी वगैरह सब इनबिल्ट है, तो जो चोरी की समस्या आती थी वो अब नहीं आएगी। तो वो पूरा लगा है और उसका बिजली का खर्चा बिल्कुल जीरो है। वो अपने आप सोलर से चार्ज होती है और जलती है और बहुत सुंदर भी लग रही है, जैसा कि वहाँ पे जाके देखा जा सकता है। दूसरा, जो हम लोग पैडलेगंज से नौकायन के बीच में जो रेलिंग लगा रहे हैं और रेलिंग में लाइट लगा रहे हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट है, वो बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। जैसे कि हम सभी को पता है कि यहाँ पे जो मान्यता है कि रामगढ़ ताल में भगवान राम स्वयं विराजमान है, इसीलिए उसका नाम राम से शुरू होता है। तो इसीलिए उसमें देखा होगा आपने, राम जी का चित्र भी उभर के आता है जब वो लाइट जलती है। तो वो रेलिंग का काम हमारा चल रहा है, लाइट लग चुकी है, लाइट को अभी जलाया नहीं गया है। जैसे ही रेलिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा तब उस लाइट को जलाया जाएगा, ताकि जो है रेलिंग के कार्य में कोई बाधा न हो। तो उम्मीद है कि अगले 1 से 1.5 महीने में पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा और पूरा एरिया जगमग करके रोशनी देगा। हाँ नहीं, काफ़ी लग चुकी हैं, लगभग सब लग चुकी हैं उसको। जैसे ये जो पैडलेगंज से नौकायन वाली लाइट है पूरी लग चुकी है, वो ऑन नहीं किया जा रहा है जानबूझ के, क्योंकि रेलिंग बदल रही है। तो उसको ऑन करेंगे तो पर्यटक फिर वहाँ आएंगे सेल्फी लेने, और चूँकि रेलिंग का कार्य चल रहा है तो उसमें व्यवधान आएगा। तो उसको रात में हम लोगों ने जला के देखा था, वो जल भी रहा है, सुंदर लग रहा है। तो 1 महीने के बाद से उसको जलाएंगे। क्या खासियत है? देखिए, जो इनबिल्ट सोलर लाइट्स हम लोग लेके आए हैं गोरखपुर में, यहाँ पे जो पहले भी सोलर लाइट्स बहुत लगी हैं, परंतु चूँकि उसका बैटरी का एक अलग से बॉक्स होता है और उसको चोरी होने का संभावना रहता है, इनफैक्ट चोरी हो जाता है, बार बार बदलना रहता है। तो इसलिए हम लोग शहर में कई जगह ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो सेक्लूडेड है, जो दूर है। जैसे कि अगला प्रोजेक्ट हम लोग महेश्वरा पुल पे करने जा रहे हैं, तो शहर से दूर है वो, और वहाँ पे लाइट लगा देंगे तो वहाँ पे बैटरी चोरी होने का संभावना है। इसीलिए वो इनबिल्ट सोलर है, उसी पोल रहती है, पोल के अंदर ही बैटरी सारा सिस्टम उसमें छुपा रहता है, उसको कोई निकाल नहीं सकता है, उसको निकालना इम्पॉसिबल है। उसको करने के लिए पूरा पोल ही ले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो लगने के बाद पूरे समय लाइट रहेगी, कोई चोरी की संभावना नहीं, कोई इस तरह की संभावना से इंकार किया जा सकता है। इसीलिए वो हम लोग वो उस तरह के लाइट्स लेके आए हैं गोरखपुर। सर, बिजली का कोई खर्च? बिजली का खर्च बिल्कुल जीरो है, जीरो खर्च पे चलेगा, ये उसकी खास बात है। कितने लग रहा है ये? एक तो RKBK और कूड़ाघाट वाले पुल पे लग गया है, एक महेश्वरा पुल पे लगेगा। इसी तरह से कई लोकेशन हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पे रात्रि में अंधेरा रहता है। तो जहाँ जहाँ ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ रात्रि में अंधेरा रहता है, सब जगह लगा देंगे, कोई हम लोग के पास उसका लिमिट नहीं है, हम लोग अनलिमिटेड वर्क करने को तैयार हैं। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अब ग्रामीण क्षेत्रों के मोतीराम अड्डा, महावीर छपरा पिपराइज और मिर्जापुर बाजार रूट पर भी संचालित होंगी इलेक्ट्रिक बसें, ग्रामीणों को मिलेगी काफी राहत। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर कर सकते हैं रवाना। पुलिस अधीक्षक यातायात एवं RTO ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर स्कूल की बसों का मानक के आधार पर की चेकिंग। GD गोयनका पब्लिक स्कूल की 13 बसें मिली मानक के विपरीत। फिटनेस पूर्ण कराने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं MD को किया गया निर्देशित। RTO ने सभी स्कूलों के संचालकों से की अपील, कहा सुरक्षा है सर्वोपरि, बिना फिटनेस की वाहनों को मार्ग पर न करे संचालित।
नगर विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने महेश्वरा स्थित इलेक्ट्रिक बसों के बनाए गए चार्जिंग स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। बसों के रखरखाव व चार्जिंग के बारे में अधिकारियों से ली विस्तृत जानकारी। कहा, इन बसों में यात्रा करने में लोगों को मिल रही है काफी सुविधा। रामगढ़ ताल के किनारे रेलिंग के बीच लगाई जा रही है इनबिल्ट सोलर लाइट, बन रहा है आकर्षण का केंद्र। जीडीओ उपाध्यक्ष ने कहा, इनबिल्ट सोलर लाइट लगने से नहीं होगी बैटरी की चोरी, बिजली की होगी बचत। उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने महवा मंडी स्थित कान्हा उपवन का किया निरीक्षण। गायों को अपने हाथों से खिलाया फल और चारा, पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। कृषि उत्पादन मंडी समिति के द्वारा सुपरमार्केट की 3 दुकानों का सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में की गई नीलामी। ज्यादा बोली लगाने वाले व्यापारियों को बेची गई दुकानें। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नीति आयोग द्वारा प्रदत्त अटल टिंकरिंग लैब का संयुक्त शिक्षा निदेशक ने किया उद्घाटन। कहा, बच्चे आज समाज के उत्थान में दे रहे हैं अपना महत्वपूर्ण योगदान। नवाचार से ही हम अपने जीवन को और बना सकते हैं सुलभ। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply. रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। 2 की ड्राईक्लीन पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। यो कलर चॉइस ना वेरी बोरिंग। ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन पूरे बाथरूम का लुक ही लिफ्ट कर देता है। व्हाट्स इट, you like it, Chico? डॉगी को क्या पता कलर के बारे में? It's magnificent and it also comes in gold and chrome black. And by the way, it's Chico, not doggy. Presenting Hughes by Hindwear Italian Collection. Stunning colored faucets with long-lasting finish that's noticed by everyone. Hindwear Italian Collection. ISL Institute for
सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने महवा मंडी स्थित कान्हा उपवन का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में नगर विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने बताया कि कान्हा उपवन में 1415 गाय और बछड़े थे, जिसका निरीक्षण किया गया है और गाय को चारा खिलाया गया है। कान्हा उपवन का बहुत अच्छे से रख रखाव किया जा रहा है। यहाँ पर गाय के लिए पंखे व रख रखाव की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर खाद बनाने के लिए गड्ढे की व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर खाद भी बनता है और बेचा जाता है। इसके अलावा पौधारोपण कर स्वच्छता संरक्षण का संदेश दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने कहा, हाँ
जीरो चले सर को दो सर मर्दवान एक पीपल भी काना गोवंश आश्रय इसमें कुल 1415 गाय बैल और बछड़े हैं, तो बहुत अच्छे से रख रखाव किया जा रहा है। इनको चारा पानी साफ सफाई पंखे की भी व्यवस्था है और यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का भी निर्माण किया गया है और वैसे भी खाद बनाने के लिए गड्ढे का निर्माण किया गया जिससे नियमित रूप से खाद यहाँ भी प्रयुक्त की जाती है और विक्रय भी की जाती है। तो इस तरह की गौशालाएँ बहुत कम देखने को आती है, तो बड़ा ही अच्छे तरीके से सब चीज़ें व्यवस्थित की हुई। पौधारोपण भी किया जाता है, पौधरोपण इसी के साथ में क्योंकि अभी वृक्षारोपण के कार्यक्रम लगातार चल ही रहे हैं तो उसी के तहत यहाँ पे वृक्षारोपण भी किया गया। नवीन महवा मंडी में मंगलवार को कृषि उत्पादन मंडी समिति के द्वारा सुपरमार्केट की 3 दुकानों का सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में नीलामी कराई गई, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि मंडी समिति के द्वारा 3 दुकानों का खुली बोली के माध्यम से नीलामी के बाद खुली बोली में बिक्री हुई है, जिसमें 17 नंबर दुकान 50,55,000 विजय कुशवाहा, 18 नंबर दुकान 41,95,000 में जयंती पांडे, 19 नंबर दुकान को 47,10,000 में सतिया ने खरीदा है। उन्होंने कहा दुकान का जो रेट रखा गया था उससे ज्यादा की व्यापारियों ने बोली लगाकर दुकानों की खरीदारी की। इस अवसर पर मंडी सचिव के DDA कौशल किशोर सिंह, मंडी सचिव राजित राम वर्मा, मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव सहित व्यापारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने कहा अगला शुरू कर लीजिए, साइज शुरू कर लें। दुकान नंबर है जिसमें आप 3 लोग हैं, सर 2 लोग, 3 नहीं 3 लोग, ये भी तो है ना, टूट गए ऊपर, ये मेरा आपका भी समय बचेगा, हमारा बात नहीं है, गरम लग रही है, स्टार्टिंग की जाती है, चलेगी सर। श्रीमती सत्या द्वारा पैसा तो बढ़ेगा, 42 लाख हो गए श्रीमती सत्या के, 42 लाख आप दस्त कर दी हो तो आप बोले 42,50,000 से ऊपर बोले 42,50,000 हाँ, अरे आप बोलिए दुकान है आपका पैसा पूरा नहीं था, इसलिए बोलिए।
यहाँ पे मंडी समिति की तरफ से जो दुकानें आवंटित की जाती है तो उसमें खुली बोली के माध्यम से आज दुकानों का आवंटन था, जिसमें चार दुकानों के लिए हम लोगों ने आवंटन के लिए बोली लगवाई है। ये चार दुकानों में से तीन दुकानों की बोली लगी है और एक दुकान करीब 42 लाख रुपए में, दूसरी दुकान लगभग 50 लाख रुपए और तीसरी दुकान वही 48-48 लाख रुपए की, इस हिसाब से तीनों दुकानें उठी हैं, जो कि मतलब है कि जो मिनिमम रेट था उससे ऊपर उठ के बोली लोगों ने लगाया और जो सबसे अंतिम बोली, जिसने फाइनल बोली सबसे बड़ी बोली लगाई, उसे दुकान के आवंटन की प्रक्रिया वो हम लोग करेंगे। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन आर्यनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मुख्य अतिथि सप्तम मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह के द्वारा किया गया, जिसके संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक ने बताया कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है, केवल संसाधन की आवश्यकता होती है, जो अटल टिंकरिंग लैब के रूप में मिला है, जिसका उचित प्रयोग करके नवाचार में देश के प्रति अपना योगदान दे। उन्होंने कहा कि अटल टिंकरिंग लैब पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का सपना था, जिसके द्वारा बच्चे आज समाज के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। नवाचार से ही हम अपने जीवन को और सुलभ बना सकते हैं। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विष्णु प्रताप सिंह, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, शिवाजी सिंह सहित अन्य विद्यालय के छात्र एवं अध्यापक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सप्तम मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह ने कहा, Thank you.
दी जाती है पेन ड्राइव से जो इसको स्पीकर से लेंगे। अटल टिंकरिंग लैब भारत सरकार के सहयोग से की स्थापना विद्यालयों में की जा रही है और इसके लिए भारत सरकार से धनराशि मिलती है, सीधे विद्यालय उसके लिए डिमांड करते हैं और विद्यालय को सीधे भारत सरकार से धनराशि मिल जाती है और उसके आधार पर ही अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करते हैं। इसके पीछे जो सोच है उसका मूल उद्देश्य है कि जो बच्चों में खोजी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का विकास किया जाए और उसके माध्यम से बच्चे जो है कुछ न कुछ नई चीज़ ले करके आए ताकि वह हमारे उपयोग में और हमारे वो काम के उसमें काफ़ी मददगार साबित हो, सहयोगी सिद्ध हो। और इसी के संदर्भ में यहाँ जो है एक अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है और काफ़ी बच्चों ने अपने मॉडल बनाए हैं और एक दो मॉडल तो मैं समझता हूँ जो काफ़ी अच्छे हैं, अगर उनका उपयोग होता है तो हमें कहीं ना कहीं आगे बहुत इसमें सहयोग मिल सकता है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अब ग्रामीण क्षेत्रों के मोतीराम अड्डा, महावीर छपरा पिपराइज और मिर्जापुर बाजार रूट पर भी संचालित होंगी इलेक्ट्रिक बसें। ग्रामीणों को मिलेगी काफी राहत। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर कर सकते हैं रवाना। पुलिस अधीक्षक यातायात एवं आरटीओ ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर स्कूल की बसों का मानक के आधार पर की चेकिंग। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की 13 बसें मिली मानक के विपरीत। फिटनेस पूर्ण कराने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं एमडी को किया गया निर्देशित। आरटीओ ने सभी स्कूलों के संचालकों से की अपील, कहा सुरक्षा है सर्वोपरि, बिना फिटनेस की वाहनों को मार्ग पर न करें संचालित। नगर विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने महिषा स्थित इलेक्ट्रिक बसों के बनाए गए चार्जिंग स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। बसों के रखरखाव व चार्जिंग के बारे में अधिकारियों से ली विस्तृत जानकारी। कहा इन बसों में यात्रा करने में लोगों को मिल रही है काफी सुविधा। रामगढ़ ताल के किनारे रेलिंग के बीच लगाई जा रही है इनबिल्ट सोलर लाइट, बन रहा है आकर्षण का केंद्र। जीडी उपाध्यक्ष ने कहा इनबिल्ट सोलर लाइट लगने से नहीं होगी बैटरी की चोरी, बिजली की होगी बचत। उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने महवा मंडी स्थित कान्हा उपवन का किया निरीक्षण। गायों को अपने हाथों से खिलाया फल और चारा, पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। कृषि उत्पादन मंडी समिति के द्वारा सुपरमार्केट की 3 दुकानों का सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में की गई नीलामी। ज्यादा बोली लगाने वाले व्यापारियों को बेची गई दुकानें। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नीति आयोग द्वारा प्रदत्त अटल टिंकरिंग लैब का संयुक्त शिक्षा निदेशक ने किया उद्घाटन। कहा बच्चे आज समाज के उत्थान में दे रहे हैं अपना महत्वपूर्ण योगदान। नवाचार से ही हम अपने जीवन को और बना सकते हैं सुलभ। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।